रेकी वैकल्पिक चिकित्सा की जापानी विधि। आज बीमारियां मानव जीवन का एक अंग बन चुकी हैं और दवाइयों का भारी डोज दैनिक जीवन का हिस्सा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चिकित्सा की ऐसी पद्धतियां भी मौजूद हैं जिनमें आपको इन दवाइयों से राहत मिल सकती है? जी हाँ, ऐसी ही एक पद्धति है रेकी। क्या है रेकी? आज दुनिया भर में वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में रेकी लोगों की पसंद बन चुकी है। इसका विकास और उद्गम मुख्यतः जापान में हुआ। रेकी एक जापानी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सार्वभौमिक ऊर्जा। इसमें रे का अर्थ सार्वभौमिक और की का अर्थ ऊर्जा है। इस पद्धति के अंतर्गत मरीज को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह का लाभ होता है। कई लोग ये भी मानते हैं कि इसका मूल उद्गम स्थल भारत है। हालांकि लिखित न होने के कारण ये शिक्षा भारत से लुप्त हो गई और बाद में जापान में इसका विकास हुआ। रेकी को अध्यात्म और योग का मिला जुला रूप माना जा सकता है। इसमें रेकी स्पेशलिस्ट मरीज को लिटाकर हथेलियों की मदद से प्रभावित अंगों में आ रही परेशानी को स्पर्श के द्वारा ठीक करने की कोशिश करता है। रेकी उपचारक अपने हाथों में प्रवाहित होने वाली रेकी ऊर्जा को मरीज के शरीर में ट्रांसफर करता है। कई बार इस दौरान विभिन्न मंत्रों का भी उच्चारण किया जाता है और सबसे कमाल की बात ये है कि थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप खुद भी रेकी तकनीक से अपना इलाज कर सकते हैं। इसे सीखना बेहद सरल माना जाता है। कैसे काम करता है रेकी? इस तकनीक का आधार मनुष्य में पाई जाने वाली प्राण शक्ति है। इसके अनुसार मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसमें ये शक्ति काफी होती है, लेकिन समय के साथ ये शक्ति क्षीण होने लगती है। इसके अलावा मनुष्य के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इस शक्ति का प्रवाह संतुलित रूप से बटा होना चाहिए। अगर किसी कारण इस धारा प्रवाह में रुकावट आए तो शरीर बीमार हो जाती है। रेकी इसी क्षीण होने वाली शक्ति या इस शक्ति के प्रवाह में आने वाली रुकावट को दूर करता है, जिससे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। रेकी हीलिंग के दो प्रकार होते हैं, एक स्पर्श हीलिंग और दूसरा डिस्टेंस हीलिंग। पहली तकनीक में रेकी उपचारक मरीज को स्पर्श कर उसका इलाज करता है और दूसरी विधि में उपचारक दूर बैठकर मरीज का इलाज करता है। मानसिक बीमारियों में अधिक असरदार तनाव, डिप्रेशन, अनिद्रा, थकान आदि मानसिक समस्याओं में रेकी अधिक लाभदायक सिद्ध होती है। तनाव कम करने के लिए तो इसका सबसे अधिक प्रयोग होता है। इसके प्रभाव से गुस्सा, चिड़चिड़ापन या नकारात्मक विचार स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। कई मामलों में हृदय रोग, कैंसर, चर्म रोग आदि में भी इससे आराम मिलता है। इसमें कोई शक नहीं है कि रेकी चिकित्सा के क्षेत्र में कारगर पद्धति है, लेकिन विज्ञान की कसौटियों पर ये अभी तक खरी नहीं उतर पाई है। लेकिन कई वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की तरह ये भी बिना साइड इफेक्ट के इलाज करने में सक्षम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।